तो स्वागत है आपका मोसिनोन सॉल्यूशन में। और आज का अपना टॉपिक है डिजिटल तराजू। इसके अंदर में देखो ये एरर जो आ रहा है, ब्लिंक मार रहा है, और ब्लिंक तो मार रहा है लेकिन सब स्टेबल हो जा रहा है, तो डिस्प्ले के अंदर में कटिंग कटिंग आ रहा है। अभी जो कटिंग रहा है तो डिस्प्ले में जो कटिंग आता है ये तो डिस्प्ले का लफड़ा की वजह से आता है, या आईसी के आसपास में अपना कंपोनेंट में रस्टिंग आ गई है, या केबल की वजह से भी आ सकता है। और ट्रैक वगैरह कभी डस्ट हो गया, या ट्रैक अगर कट गया, ऑटो कट गया, उसकी वजह से भी आता है। देखो अभी सही हो गया, इसको हम लोग ने सही ऐसा करे कि आईसी का निकाल के, आईसी को निकाल के अच्छे से साफ करे पिन, और उसके आसपास के कंपोनेंट को भी अच्छे से साफ करे थिनर पर। कोई भी पीसी भी आए तो पहले थिनर से उसको बढ़िया से साफ कर लिया जाए। कारण 11 किलो 800 ग्राम वायर कटा है, जबरदस्त लगा देंगे। तो किस तरीके से करे, देखो ये जो ये तो एक वायर एक लूज था, जिसकी वजह से वो छोड़ पकड़ छोकड़ पकड़ कर रहा था, ये भी रीजन था। और दूसरा पट्टा भी हमको चेंज करना पड़ेगा, नया वाला डाल देंगे जो बाजू में पट्टा दिख रहा है आपको। और इसके अलावा आईसी को भी हमने साफ़ करे, अगर आईसी ख़राब होती है तो फिर इक्विवेलेंट हमको पीसीबी चाहिए, तभी आईसी को हम डाल सकते हैं, वरना ये आईसी का प्रोग्रामिंग बहुत मुश्किल होता है, मिलता नहीं है। और ये आईसी आपको स्क्रैप मदरबोर्ड से ही मिल सकती है। तो इस तरीके से छोटे मोटे फॉल्ट आते हैं इसके अंदर में, तो इसको वायर लूज कनेक्शन ना हो करके हम उसमें ये डाल दे रहे हैं। और आप फेसबुक में भी हमको फॉलो कर सकते हैं, 2000-1500 का आता हूँ। कटिंग आ रही थी इसके अंदर, ये पहले का वीडियो मैं अभी बता रहा हूँ। तो अभी हम लोग ने साफ अप करके रेडी कर दिए, मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। ये पहले भी था, अरे ठीक, अरे अब हो गया ठीक। मतलब आईसी रस्टिंग में थी, ये वजन स्विच प्रॉब्लम होता है, कभी आईसी का प्रॉब्लम होता है, कभी ट्रैक का प्रॉब्लम होता है, एक नंबर, कभी केबल का प्रॉब्लम होता है, कभी पट्टे का प्रॉब्लम, आईसी का लफड़ा रहता है तो क्या करते, प्रॉब्लम होता है, इसमें ज़्यादा कुछ होता नहीं है, कंपोनेंट वगैरह शॉर्ट होते हैं, ख़राब होते हैं। न्यूटन ये आईसी बनाता है, न्यूटन तराजू। तो अगर आपको रिपेयर करवाना है तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। सबसे मेन चीज़ होती है साफ सफाई, पहले फुर्सत में रस्टिंग देखो, कोई फला फूटा है, कैपेसिटर सेरामिक कैपेसिटर लगे ऑरेंज कलर के, और केबल वगैरह चेक करो इसका। और आईसी को, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि आईसी को निकालना पड़ेगा, तो आईसी को निकाल के उसको वापस से हम लोग पिनों को साफ करेंगे और देखेंगे कि उसके अंदर में कभी कभी कार्बन इंटरनली आ जाता है, इसकी आईसी मिल जाती है दोबारा। मोस्ट ऑफ द केस तो आईसी को साफ करने से ही हो जाता है डिजिटल, क्योंकि ये डिजिटल जो है तो सेगमेंट वाला डिस्प्ले है, डिस्प्ले भी चेंज हो जाता है अगर डिस्प्ले ख़राब होती है, पर आईसी चेंज करने के लिए तकलीफ होती है, आईसी में थोड़ा प्रॉब्लम होता है। प्रोग्राम करो तो इस तरीके से प्रोग्रामेबल आईसी लगी है, तो डुअल आईसी, तो साफ सफाई करके उसको हम लोग तरीके से बिठा देंगे। इसमें कभी कभी क्रिस्टल जो दिख रहा है आपको 16 मेगाहर्ट्ज़ 14 मेगाहर्ट्ज़ लोहे का बुश पड़ा हुआ है, जनरेट करते हैं, इसमें भी कभी कभी प्रॉब्लम आ जाता है, तब भी डेथ रहता है, ऑन नहीं होता। इस तरीके का प्रॉब्लम आ रहा था जो कि सॉल्व हो गया है। तो इस तरीके से आप लोग हमारे चैनल से जुड़े रहिए, एलईडी टीवी मोबाइल के लिए और इंडक्शन के लिए, ओवन के लिए। धन्यवाद।